कश्मीर में आतंकियों ने 22 साल के आर्मी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की बेरहमी से हत्या कर दी। फयाज ने दिसंबर में ही आर्मी ज्वाइन की थी और ये उनके करियर की पहली छुट्टी थी। इस घटना पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शोक जताया है। सेना ने कहा है कि वो फयाज के गुनहगारों को सजा दिलवाने की हर संभव कोशिश करेगी। पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। कुलभूषण जाधव फांसी केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है। भारत की अपील के बाद ये फैसला आया है। तत्काल जो ये उनके खिलाफ मृत्यु दंड घोषित किया गया है पाकिस्तान में, उसको सस्पेंड किया जाए और इस दौरान जो सेंटेंस जो दंड दिया था मिलिट्री कोर्ट ने, जो कि वियना कन्वेंशन का के विपरीत है, सरासर विपरीत है, और ऑल्सो वो मानवाधारों के जो मूलभूत मानवाधार हैं उनके भी विपरीत है, तो उसको उसके संदर्भ में भी हमको रिलीफ दिया जाए। भारत ने कहा है कि इस केस में पाकिस्तान से काउंसलर के लिए लगातार 16 बार अपील की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है। शेयर बाजार बुलंदी पर है, ऐसे में हम आपको बता दें कि आपको कहां कहां पर पैसा लगाना अच्छा साबित होगा। बाजारों के रुझान के मुताबिक आप FMCG सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। सलाहकारों की माने तो म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मुंबई पर बीबर का फीवर चढ़ चुका है। कॉन्सर्ट के लिए लोगों की दीवानगी देखने लायक है, लेकिन ऐसे में इंडिया आते ही जस्टिन ने क्या किया? वो ऐसे 100 बच्चों से मिले जो उनके कॉन्सर्ट का टिकट नहीं खरीद सकते थे। जस्टिन ने इन बच्चों से एक बस में मुलाकात की और अपने कॉन्सर्ट के 100 टिकट मुफ्त में दिए। दिल्ली विधानसभा में हाई वोल्टेज डेमो के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज अपनी ईवीएम मशीन को लेकर द क्विंट के फेसबुक लाइव पर आए। हर तरीके के माइक्रोचिप को दोबारा लिखना, दोबारा राइट करना और अनरीडेबल माइक्रोचिप को भी रीड करना पॉसिबल है। ऐसी रिवर्स इंजीनियरिंग की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स है ही नहीं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के ईवीएम के दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं पर विपक्षी पार्टियां इस बात पर चुटकी ले रही हैं, लेकिन आप अपने इस दावे पर कायम हैं।